नमस्कार, मैं ज्योति वर्मा, आप देख रहे हैं एएनटीवी। वक्त हुआ है सुपर फास्ट खबरों का, लेकिन पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 15 फरवरी को होगा 69 सीटों पर मतदान, सभी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। यूपी के दूसरे चरण का मतदान 15 फरवरी को, 11 जिलों की 67 सीटों पर होगा मतदान, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज। तमिलनाडु में सियासी संघर्ष जारी, पनीर सेल्वम के समर्थन में 10 सांसद, वहीं शशिकला ने भी किया 129 विधायकों के समर्थन का दावा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले रामलीला मैदान में स्वराज इंडिया पार्टी की जवाब दो हिसाब दो रैली, नगर निगम, दिल्ली सरकार और राज्यपाल के कामकाज पर उठाए गए सवाल। राष्ट्रीय महिला संसद आयोजन के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का संबोधन, कहा महिला आरक्षण समय की मांग। कश्मीर के गुलगाम जिले में मुठभेड़, 4 आतंकी मारे गए, सेना के 2 जवान शहीद, गोलीबारी में एक नागरिक की भी हुई मौत। दिल्ली की सड़कों से गायब रहेंगी करीब 2.5 लाख कैब सेवा, किराया बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार से हड़ताल पर होंगे ओला और उबर चालक। पंजाब पुलिस ने नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड को 4 आरोपियों के साथ मोंगा जिले से किया गिरफ्तार। पाकिस्तान सीनेट के उपाध्यक्ष को अमेरिका ने वीजा देने से किया इनकार, वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका में होने वाली अंतर संसदीय संघ बैठक का किया बहिष्कार। भारत ने जीता ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब, 9 विकेट से हराया पाकिस्तान को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।